We've just landed in Singapore, Changi Airport, and look what this is. ये मेरे घर पे आ रहे मेरी माँ बड़ी खुश हो जाएगी. Automatic पोछा मशीन. Wow. ये गुस्सा करती है अगर इसके पोछे पे कोई पैर लगा दे तो. मेरे को डर लग रहा है इसके पास जाने में. सो गाइस आज की ट्रिप तो अमेजिंग रही. जैसे ही हम लोग अप्रोच पाथ पे थे सिंगापुर के, मैं बता नहीं सकता कितना अमेजिंग अप्रोच पाथ लग रहा था. बिकॉज आई हैव फ्लोन अ लॉट ऑफ अप्रोचेस, बट यहाँ पे आके इतना क्लियर विजिबिलिटी थी, मजा आ गया. और वाओ. अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बातों से बोर करूं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक रूम टूर दे दूं, क्योंकि थोड़ी दिन में रूम बहुत गंदा होने वाला है. वैसे मैं रूम टूर देता नहीं, बट आज थोड़ा सा दे दो. आ जाओ. So that's the door you enter from, and there's a big mirror over here. खास बात यह है कि ये मिरर स्लाइडिंग है. ऐसे ये स्लाइडिंग होता नहीं है, थोड़ा सा फंस रहा है ऐसे करके. देखिए अभी हो गया. मैंने इसको काफी जोर लगाया, काफी देर तक चक्कर की. ये पूरा समझ लो मतलब पूरा से बाहर आ गया था. मेरी मतलब लिटरली मेरे को फक ये मेरे ऊपर शीशा ना गिर जाए पूरा, बट टच वुड गिरा नहीं. And the bath is pretty neat and tidy. सुबह तक ऐसा नहीं रहेगा, बम गिरा देंगे हम यहाँ पे. And this area is nice. I like this couch, chair, laptop खुल गया है. Normal bed and everything. The best part about this hotel is they give us this phone, जिसमें कि internet भी है, international calling भी है, सब कुछ है. Very handy. मजे की बात ये भी है कि जब मैं last time Singapore आया था, तो भुवन बाम का एक गाना आया था सफर, जो कि मेरा बहुत ही favorite गाना है. And उसपे मैंने एक video shoot किया था. जिन्होंने वो गाना नहीं देखा है, वो गाना बहुत करीब है मेरे दिल के. Because story का उसके पीछे कि उस दिन मैं बहुत depressed था. बहुत बार ऐसा होता है कि यार हम लोग खराब मूड में होते हैं, नहीं मन कर रहा होता. तो यार मैं तो व्लॉगर हूं, मैं थोड़ा ना जाके वहां पे म्यूजिक वीडियो क्या म्यूजिक वीडियो के लिए कोई वीडियो बनाऊं. तो मैं व्लॉगिंग करने बाहर गया था. व्लॉगिंग करने गया, बाहर बैठा, आई वाज डिप्रेस. कुछ रीजन था, मुझे ध्यान नहीं रीजन क्या था, बट आई एम वेरी श्योर आई वाज वेरी डिप्रेस. एंड वहां बैठा हूं व्लॉगिंग करने गया, अकेला था, मैं वाज मिसिंग माय वाइफ. मैं बैठा हूं व्लॉगिंग करने, मुझे लगा मैं क्या व्लॉग करूं. मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी, एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस एंड सेल्फ अवेयर. और मुझे लगा यार मुझे करनी नहीं व्लॉगिंग, क्या यार मैं अकेला बैठा हूं यहां पे, एंड यू नो बहुत आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड. तब मैंने सफर, अगर भुवन ये व्लॉग देख रहा है, तब मैंने सफर सॉन्ग निकाल के सुना उस फोन में, ये वाले फोन में जो हमें होटल देता है. मैं वहाँ पे सफर गाना सुना और मैं इतना चेयरअप हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा. इट्स अ वेरी अपबीट सॉन्ग. फिर मैंने कहा नहीं यार हार नहीं माननी, ये सब काम चलते रहते हैं. फिर मैंने वो शूट करना शुरू किया. मैंने कहा अब यार बिकॉज दिस सॉन्ग हैज लिफ्टेड माई मूड अप, सो आई थिंक आई शुड डू समथिंग फॉर दिस सॉन्ग. तो मैंने फिर वो चीज क्रिएट की. आई स्टार्टेड ऑफ कि मैं व्लॉग शूट करूंगा, वहां जाके मूड नहीं हुआ. देन वो फिर जैसा आपने देखा सफर हाइपर लैप शूट किया, बहुत मेहनत लगी उसको शूट करने में. उस वीडियो को शूट करने के लिए मैं अपना गिम्बल यहाँ पे ऐसे टांगा हुआ था, इट्स अ हेवी गिम्बल, कैमरा बैग पीछे टांगा हुआ था, मोनोपॉड पे कैमरा लेके घूम रहा था पूरे सिंगापुर में दो दिन तक. मेरे को बैक पेन हो गया था उसके बाद. सो आई हैड दिस बैड बैक पेन जो कि रहा मेरे साथ तीन चार महीने तक. इट टुक अ क्वाइट अ व्हाइल टू गो. सो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट सफर. जब हम लोग सी ऑफ करते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स आके हाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आके देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं. एंड देन कुछ ऐसा ही आज हुआ. काम करता हूँ अभी एक्चुअली सिंगापुर में. सुबह के 2:44 हो गए, थोड़ा सा मेरा काम बचा है, एक दो सा वो मैं करके सो जाता हूँ. ये स्टोरी को, इस कहानी को सुबह जारी रखेंगे. अगर आपको मेरे रूम से बाहर का व्यू देखना है वो भी. तो ये जो चीज देख रहे हैं ये सिंगापुर टावर है, एज इनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है. और हाँ एक बात तो बताना भूल गया, इसके लिए मैंने दोबारा कैमरा खोला है अभी. कोइंसिडेंस देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है. जब मैंने आपको स्टोरी बताई सफर की, उसके बाद मैं अभी आया हूँ और भुवन का दोबारा सॉन्ग आने वाला है. भुवन जल्दी जल्दी सॉन्ग निकाला करें, हमारी इंटरनेशनल ट्रिप लगती रही. What's up guys? तो सिंगापुर से अब आ चुके हैं हम इंडिया. अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर. और हाँ जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का उसको स्टार्ट करते हैं. मैं चाह रहा था कि सिंगापुर में शूट करूं, बट इतना बिजी हो गया, थोड़ा सा घूमने में चले गए. पायलट्स को इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है जब वो सिर्फ गए कॉकपिट में और ऑटो पायलट ऑन किया और बैठ जाते. सारा काम तो ऑटो पायलट करता है. बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग पूछ नहीं पाते, बट घुमा फिरा के पूछते हैं, बट हम समझ जाते हैं कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं. इसलिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, इसको क्लियर कर दूंगा. सो गाइस आजकल का अगर सिविल एविएशन हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, अगर हम एयरबस की बात करें, बोइंग की बात करें, मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑटो पायलट. द इंटायर फ्लाइट, पूरी पूरी फ्लाइट हम लोग
ऑटो पायलट के भरोसे कर सकते हैं एंड दिस इज हाईली ऑटोमेटेड, मतलब कि इतना ऑटोमेटेड कि अगर आप टेक ऑफ करते हैं टेक ऑफ के 5 सेकंड बाद आप ऑटो पायलट ऑन कर सकते हैं और लैंडिंग तक आप ऑटो पायलट ऑन रख सकते हो। ये कहने के साथ साथ एक और चीज आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, पायलट की जॉब का और इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है कि वी हैव टू बी अवेक व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज स्लीपिंग, वी हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स। अगर कुछ दिक्कत होती है वी हैव टू मेक अ डिसीजन and we do not have the liberty to go wrong. अगर हम गलत decision लेते हैं तो it directly affects the lives of the passengers. हमारा sleep pattern बहुत ही ज़्यादा uneven होता है, कभी हम सुबह fly कर रहे होते हैं, कभी हम रात को fly कर रहे होते हैं, कभी दिन में fly कर रहे होते हैं। There is no fixed flying pattern which causes a lot of stress on your body. अगर stress की बात करें then yeah, this is one of the most highly stressed jobs in the world. अगर मैं इसको Google पे भी search करूँ और देखूँ कि कौन सी highly stressed jobs हैं in the world, then the airline pilot job comes at number 3. फ्लाइट में जब आप बोर्ड करते हैं सबसे पहला काम होता है टैक्सी, उसके बाद टेक ऑफ क्रूज पार्ट, उसके बाद लैंडिंग पार्ट, दोबारा से टैक्सी और आप यहाँ पे उतर जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। स्ट्रेस वर्सेस पार्ट ऑफ द फ्लाइट, कौन से पार्ट ऑफ द फ्लाइट में कितना स्ट्रेस रहता है। बेसिकली टैक्सी में एक अच्छा खासा स्ट्रेस रहता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि टैक्सी तो ग्राउंड पे होती है, एयरक्राफ्ट को आसमान में फ्लाई करने से ज्यादा मुश्किल होता है ग्राउंड पे टैक्सी करना, बिकॉज बहुत सारी एयरपोर्ट्स आर गेटिंग वेरी बिजी। इट इज वेरी क्रूशियल कि आप सही जगह से टैक्सी करें, अगर आप गलत टैक्सी पे घुस गए, गलत इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए, सो एवरीथिंग कैन गो फॉर अ टॉक। सो टैक्सी पे एक स्ट्रेस लेवल काफी अच्छा खासा रहता है, टेक ऑफ पे वो स्ट्रेस लेवल काफी हाई चला जाता है बिकॉज बहुत सारी चीजें करने को होती हैं। तो यहाँ पे क्रूज पार्ट में जो कि एक बहुत ही नॉन स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ द फ्लेज रहता है, स्ट्रेस काफी कम हो जाता है और वो यहाँ पे आ जाता है। लैंडिंग में अगेन इट गोज हायर देन टेक ऑफ और टैक्सी में दोबारा यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा रहता है हमारा स्ट्रेस वर्सेस पार्ट ऑफ द फ्लाइट। अब जब क्रूज पार्ट ऑफ द फ्लाइट है, अगर आपकी एक 4 घंटे की फ्लाइट है तो आप आराम से कह सकते हैं कि उसमें क्रूज पार्ट मेरा 3 घंटे का है मिनिमम। सो आप कहेंगे कि एक जो पायलट है फॉर 3 आवर्स ही इज एट अ लो स्ट्रेस लेवल। ऑटो पायलट लगा के अगर आप फ्लाई करते हैं तो उसमें क्या है स्ट्रेस लेवल, किस बात का है? जब आप ऑटो पायलट पे फ्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम देन किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस इस बात का है जब हम क्रूज फेज में फ्लाई कर रहे होते हैं तो वी आर कॉन्स्टेंटली प्लानिंग कि आगे हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम कॉन्स्टेंटली ATC से बात करते रहते हैं। ऑल्सो बिकॉज नाउ द फ्लाइंग इज सो मच, इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, 3 से 4 सेक्टर दिन में आप फ्लाई करते हैं, सो उतना मैनुअली फ्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है। सो बेसिकली ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना एक स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, इतना आप उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ऑटो पायलट लगा भी हुआ है इट इज जस्ट डूइंग व्हाट वी आर टेलिंग द ऑटो पायलट टू डू और हम उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं एट एवरी सेकेंड। फ्लाई करते करते कंडीशंस चेंज होती हैं जो कि सिस्टम नहीं देख सकता, जो कि ऑटोमेशन नहीं देख सकता, वेदर आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, एयर स्पेस में बाकी एयरक्राफ्ट भी होते हैं, ATC के इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हालांकि बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स कभी भी फेल हो सकते हैं, जब एयरक्राफ्ट सिस्टम्स फेल होते हैं तो क्या करना है वो सिर्फ एक इंसान को ही पता है। और अगर आप इजाजत देंगे तो यहाँ पे मैं एक ऋतिक रोशन का डायलॉग मानना चाहूंगा, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, इसलिए जो दिमाग कर सकता है वो आपका कंप्यूटर नहीं कर सकता सर। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू फॉलो इन द एयर एट एवरी फेज एट एवरी पॉइंट फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो जब हम क्रूज में भी हैं वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं, वो हमें फॉलो करना पड़ता है एंड कंप्लाई करना पड़ता है उससे। हवा में कुछ भी हो सकता है, देयर आर पैसेंजर्स व्हिच कैन गेट सिक, देयर आर बेबीज व्हिच आर बॉर्न, अनफॉर्चूनेटली देयर आर डेथ्स दैट कैन हैपन, सो एवरीथिंग कैन हैपन इन द एयरक्राफ्ट। और सब कुछ होने के लिए वी हैव टू बी क्विक। एयरक्राफ्ट में जब हम हवा में हैं हम एयरक्राफ्ट को खड़ा करके वहाँ पे टाइम नहीं ले सकते सोचने का कि हमें क्या करना है। बाकी जॉब्स में लकीली ये थोड़ा सा एडवांटेज आता है कि अगर समथिंग इज नॉट गोइंग एज प्लान, अगर आपको कुछ गड़बड़ हो गया, आपको डिसीजन लेना है, यू हैव 3-4 पीपल अप और आप मीटिंग बुला सकते हैं, आप बाकी लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। बट हवा में हम सिर्फ 2 लोग होते हैं एक बंद कॉकपिट के अंदर, वहाँ क्या हो रहा है डिसीजन सिर्फ हम दोनों का है, वी हैव बुक्स टू रेफर टू। बट कभी कभी जो ऐसी सिचुएशन होती है जो कि बुक्स में नहीं लिखी होती या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है उसमें, प्लस बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, पैसेंजर्स कंफर्ट को देखना है, कंपनी कंफर्ट को देखना है, सेफ्टी को देखना है, विच इज़ नंबर 1। सो हमें क्या करना है, वी आर जस्ट 2 माइंड्स इन द एयर एंड एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज मूविंग, इंजन्स आर ऑलवेज रनिंग, फ्यूल इज लिमिटेड, दैट्स अ मेन कैच ओवर हेयर, और हमें डिसीजन लेना है सही डिसीजन। अगर हम ज़रा सा भी स्क्रू अप करते हैं सेफ्टी इफेक्ट होती है पैसेंजर्स की। चाहे कुछ भी हो जाए हवा में अगर कोई दिक्कत आई थी, वो दिक्कत अगर सॉल्व भी हो जाए फिर भी हमें कॉन्स्टेंटली ये सोचना पड़ता है कि ये दिक्कत आई थी, इसके बाद अगर ये दिक्कत और आ जाए तब हम क्या करेंगे। हमें हमेशा एयरक्राफ्ट से एक स्टेप आगे रहना पड़ता है, हमेशा ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। एविएशन का गोल्डन रूल है एविएट नेविगेट कम्युनिकेट, सबसे पहले आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करिए, उसके बाद आप नेविगेट करिए कहाँ जाना, उसके बाद कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट कैबिन क्रू से, अपने फेलो पायलट से, ATC से। सो ये हमें हमेशा करना पड़ता है और उसके अलावा बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा होता है कि हम क्या करें इन केस ऑफ एमरजेंसी। एंड व्हाइल वी डू ऑल दिस वी हैव टू रिमेन काम। उसके ऊपर से सोचिए अगर ऑटो पायलट नहीं होगा तो हमारा वर्कलोड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना ज़्यादा स्ट्रेस
हो जाएगा। और मॉडर्न डे एविएशन की ये डिमांड है कि हाँ थोड़ा सा हम स्ट्रेस लेवल ह्यूमन माइंड से कम कर सकें। जितने भी आजकल एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें पढ़ाया जाता है, 90% ऑफ द एक्सीडेंट स्लैश इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ फटीग और ह्यूमन माइंड, इट्स समथिंग समवेयर ह्यूमन इज इन्वॉल्व। वहाँ पे मशीन्स कम फेल होती हैं, होती है मैं ये नहीं कह रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स द ह्यूमन विच फेल द मशीन एंड नॉट द मशीन विच फेल्स द ह्यूमन। और वो क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेसफुल जॉब एट द एंड ऑफ द डे। एज पायलट्स वी हैव टू बी मेडिकली फिट ऑल द टाइम। अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अनफिट होते हैं, हमारी जॉब हमारे हाथ से चली जाएगी। सो दैट्स अ वन बिग रिस्क व्हेन यू फ्लाई एज अ पायलट। और अगर हमें गलत डिसीजन लेते हैं, इट कैन कॉस्ट अस आर जॉब, इट कैन कॉस्ट अस आर लाइसेंस एंड इट कैन कॉस्ट आर कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये डाउट्स हर इंसान को उसके दिमाग में रहते हैं, उसके जहन में रहते हैं, और वो चाहता है कि हाँ जब मैं किसी पायलट से मिलूंगा तो उसको पूछूंगा मैं, क्योंकि मेरे को भी ये डाउट्स है जब मैं छोटा था और मुझे पायलट बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वन सेकंड गाइस। इस वीडियो को अगर पसंद आया प्लीज़ एक लाइक देके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है क्रिएटर को अगर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वन सेकंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको एविएशन रिलेटेड और वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना कि किस टॉपिक पर मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगर मैं एविएशन रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। सो थैंक यू वन सेकंड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।